अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वर्क। ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक। ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 34। और उर्दू रीडिंग बुक पेज नंबर 34, लेसन नंबर 8, सबक नंबर 8 एंड योर टॉपिक इज़ वाहरे भैया। योर टॉपिक इज़ वाहरे भैया। हम यहाँ पर एक गंदे से बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पेज नंबर 33 पे रीडिंग की थी और उसके बारे में बताया था कि वो किस कदर गंदगी से भरा हुआ बच्चा है। फर्दर आज हम इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 34 से। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो किस किस्म का बच्चा है। सो फर्दर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड द डे एट द टॉप ऑफ द पेज। मार्क योर डेट एंड डे। लेट्स स्टार्ट ओवर रीडिंग। टॉफी है उनकी कमज़ोरी, घर वालों से चोरी चोरी, चट कर जाएं पूरी बोरी, दांतों का मत पूछो हाल, वाहरे भैया नूर जमाल। रोने धोने में बेबाक, इल्मो हुनर का किस्सा पाक, पढ़ने लिखने के सर खाक, पहली ही में चौथा साल, वाहरे भैया नूर जमाल। गंदा बच्चा किसको भाए, कोई ना उसको पास बिठाए, हर एक उससे आंख चुराए, कोई ना पूछे उसका हाल, वाहरे भैया नूर जमाल। मोहम्मद इसहाक जलालपुरी ने ये रीडिंग लिखी है और एक बच्चे की, गंदे बच्चे की इसमें बताया गया है कि गंदा बच्चा किस तरह से होता है। तो पेज नंबर 34 की रीडिंग में उन्होंने बताया है कि टॉफ़ी उसकी कमज़ोरी है, वो अपने घर वालों से चोरी छुपे यानी छुप छुप कर टॉफ़ी खाता है, जैसे कि देखे खा रहा है। और आपको पता है कि टॉफ़ी और चॉकलेट जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल आपके दांत ख़राब कर सकता है। अगर आप भी चॉकलेट या टॉफ़ी हद से ज़्यादा खाएंगे तो आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जमाल की भी, नूर जमाल की भी बताई गई है कि टॉफ़ी उसकी कमज़ोरी है, वो घर वालों से चोरी चोरी खाता है, चट कर जाए पूरी बोरी, दांतों का मत पूछो हाल। जाहिर सी बात है पूरी बोरी मतलब कि इतनी ज़्यादा तादाद में वो गंदी और मीठी कैंडीज़ या टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स खाएगा तो उसके दांतों का क्या हाल होगा। दांत तो उसके बिल्कुल टूट चुके होंगे, गंदे होंगे और कीड़ा लग चुका होगा दांतों में इतना मीठा खाने से। वाहरे भैया नूर जमाल, रोने धोने में बेबाक। ये देखे यहाँ पे भी वो रो रहा है, यानी हर छोटी छोटी बात पर वो बहुत बुरी तरह से चीख चीख कर रोता है। इल्मो हुनर का किस्सा पाक, यानी पढ़ने से उसको कोई भी लगाव नहीं है, पढ़ने लिखने के सर खाक, वो पढ़ने लिखने की तरफ तो आता ही नहीं है। ज़ाहिर है जब इतनी गंदी गंदी हरकतें करेगा तो पढ़ने लिखने की तरफ किस तरह से आएगा। पढ़ने लिखने का उसको बिल्कुल शौक़ नहीं, ना ही वो इलम की तरफ आता है। पहली ही में चौथा साल, वन क्लास में ही वो चार दफ़ा फेल हो चुका है और वो वन क्लास में ही, चार साल से वन क्लास में ही है। वाहरे भैया नूर जमाल। आप देखेंगे अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाता तो वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं होता। जैसे आप लोग टू में आ गए हैं तो जो बच्चा फेल होता है या अच्छी तरह से नहीं पढ़ता तो उसको वन में ही रहने दिया जाता है। तो नूर जमाल भी चार साल से वन में ही था। आपका वो कह रहे कि गंदा बच्चा किसको भाए, कोई ना उसको पास बिठाए। आप देखें कि आप स्कूल में प्यारे बन के आते हैं, अच्छे बच्चे बन के आते हैं तो सब आपको पसंद करते हैं। आप अपने किसी भी क्लास फेलो के पास बैठ जाते हैं, सब आपको दोस्त बनाते हैं, टीचर आपको पसंद करती हैं, टीचर आपकी तारीफ़ करती हैं। लेकिन जब आप इस तरह के गंदे बच्चे बने रहेंगे तो आप किसी को भी प्यारे नहीं लगोगे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा और ना ही कोई आपको अपने पास बिठाएगा। हर एक उससे आंख चुराए, कोई ना पूछे उसका हाल। जाहिर सी बात है कितना गंदा बच्चा, कौन किसका दिल करेगा कि वो इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं, इस बच्चे से प्यार करें। सब उससे दूर भागेंगे और उसको बुलाएंगे भी नहीं। वाहरे भैया नूर जमाल, यानी ये नूर जमाल की सारी गंदी आदतें बताई गई थी कि वो किस कदर गंदा बच्चा था। तो आपको बताया गया है कि आपने इस तरह का गंदा बच्चा बनना है या नूर जमाल से अच्छा बच्चा बनना है।
ये सारी जो बातें हैं ये एक गंदे बच्चे की होती हैं, आप में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आपका टॉपिक वाहरे भैया है और सबक नंबर 8 है, पेज नंबर 33-34 हमारी रीडिंग पूरी हो चुकी है। आपने इसकी रीडिंग अच्छे से करनी और दिल में और दिमाग में बिठा लेना कि आप में ये गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।